अलवर के रामगढ़ थाना अंतर्गत गांव मिलकपुर में दो समुदायों के बीच तनाव हो गया। तनाव इतना बढ़ गया कि बंदूकों से गोलियां तक चल गई। मामला अलवर के रामगढ़ के मिलकपुर कस्बे का है, जहां एक समुदाय विशेष का लड़का दूसरे समाज की लड़की को भगा कर ले गया, जिससे मामला इतना भड़क गया कि आक्रोशित पीड़ित परिवार और विशेष समुदाय के बीच न सिर्फ जमकर लाठियां चली बल्कि बंदूक से समुदाय विशेष द्वारा फायरिंग कर दी गई, जिसमें कई लोगों को छर्रे लगने की वजह से उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। सीओ साउथ आईपीएस अनिल बेनीवाल और एडिशनल एसपी श्याम सिंह भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। पीड़ित समुदाय का आरोप था कि विशेष समुदाय के लोगों ने घरों में हथियार जमा कर रखे हैं और पुलिस उनकी तलाशी नहीं ले रही। इस बाबत पुलिस से वे जिद बहस करते हुए नजर आए, लेकिन पुलिस के नहीं मानने पर पीड़ित समुदाय आक्रोशित हो गए और फिलहाल स्थिति तनावपूर्ण है। मिलकपुर में 3-4 दिन पहले एक महिला, बालिक महिला, किसी गाँव के ही एक व्यक्ति के दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ भाग गई थी, जिसमें जिस संबंध में थाने पर एक रिपोर्ट भी दर्ज है। और आज गांव में दोनों पक्षों में इस मामले को लेकर तनातनी हो गई थी। फिर जैसी इतला मिली, पुलिस ने, थानाधिकारी ने और जाप्ता लेकर के पहुंच गए और व्यवस्था दुरुस्त कर दी और अभी निगरानी रखी जा रही है। पथराव में कुछ चोटें की हल्की फुल्की लगी है, जिनकी एक पक्ष की तरफ से FIR दी गई है जो दर्ज की जा रही है। और गाँव में शांति और पुलिस जाप्ता पर्याप्त लगा हुआ, वो देख रहे हैं अभी इस मामले में बताएंगे आप। जो फायरिंग हुई है, फायरिंग की सही है क्या? फायरिंग इस प्रकार की आ रही है, FIR में भी वो लिख रहे हैं फायरिंग का, बट ये जांच का विषय है, जांच करके बता पाएंगे। वहीं दोनों पक्षों ने पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया।